बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी जो आपके साथ जॉब शेयर करने लगे हैं जी, वो हैं महकमा आबपाशी बलूचिस्तान की जानिब से हैं जी। इसमें मुख्तलिफ जॉब्स हैं, होपफुली कि आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। थोड़े से मुझे ये ज़्यादा करने दें, अब होपफुली कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, इसमें जूनियर क्लर्क की जी BPS यानी बेसिक पे 11वीं की हैं, और इसमें मुख्तलिफ जो ना वो मेरिट पे कलात जोब नसीराबाद मकरान कोयटा जोन और सिबी कोयटा डिवीज़न खवातीन कोटा एक है, मौजूर कोटा एक है, और इस तरह इसके अलावा दो तीन हैं। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए जी, FFSC टाइपिंग स्पीड आपकी 40 होनी चाहिए, और मुतलका इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए किसी से भी। सब इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं जी। सिविल टेक्नोलॉजी में 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और तस्दीक से जो ना वो आपके जो इंस्टीट्यूट है वो आपका तस्दीक शुदा होना चाहिए, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादा जॉब्स हैं, मेरिट भी 3 है, क्लॉथ 3 है, और जूब की 3 है, नसीराबाद की 3 है, मकरान की 2 हैं, कोयटा जोन की 2 हैं, सिबी की 2 हैं, कोयटा सिटी की 2 हैं, खवातीन कोटा एक है, मजदूर कोटा भी एक है। इसी तरह आगे सीरियल नंबर नंबर शुमार में 3 नंबर पर आएँ तो हमारे पास नज़र आता है जी असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर B11 का। इसमें एक ही सीट है जी नज़ीराबाद, और ICS FAC आपकी, और टाइपिंग स्पीड आपके जिनो अंग्रेज़ी और उर्दू में 60 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए, या अल्फाज फी मिनट होने चाहिए जी। आगे चलें सीरियल नंबर 4 पे, तो हमारे पास ड्राफ्ट मैन आते हैं भी 11 के, मेरिट 2, क्लाथ 2, जोब 2, सॉरी एक है, नसीराबाद एक है, मकरान एक है, कोयटा जोन एक है, सिबी एक है, कोयटा सिटी में एक एक वैकेंसीज है, तादाद है। इसमें आपको सिविल डिप्लोमा सिविल टेक्नोलॉजी में जी 3 साल डिप्लोमा चाहिए, सही है। स्टेनोग्राफर में अगर जाएं तो हमारे पास B14 की वैकेंसी है, एक ही है जी, B आपके पास होना चाहिए, और 100 अल्फाज़ फी मिनट टाइपिंग स्पीड, और इसके अलावा शॉर्ट हैंड ये 100 चाहिए थी, और 45 फी मिनट चाहिए डिप्लोमा में आपको चाहिए। गैज रेडर की अगर बात करें तो इसमें मुख्तलिफ वैकेंसीज हैं जी, इसमें भी आप अगर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा, ज़्यादा पढ़ना नहीं लगा। तो इसमें अपग्रेडेशन डिवीज़न में मस्तूनक खजदार गवादार ओथल आई थिंक ओथल है कि थल है जैगल जलमक्सी है, डिवीज़न कोयटा है जी, डिवीज़न यूकी संजावी एक एक है, और इसी तरह मुख्तलिफ और हैं। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है जी, इसमें भर्ती हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ही होगी, और 18 से 28 तारीख तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और सरकारी कानून के साथ गुंजाइश भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 5% अकलीतों का कोटा है, 5% मज़दूरों का कोटा है, और 5% कोटा जो है ना वो मजदूर के लिए है। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो अपने NOC के साथ दरख्वास्त दें। टेस्ट के लिए आने वाले उम्मीदवार को टूटिए नहीं दिया जाएगा, और दरख्वास्त आपने कैसे भेजनी है, हर उम्मीदवार अपनी तस्दीक शुदा कागजात के साथ 2 अदद ताज़ा तस्वीर जमा करानी होंगी। टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख बाद एग्ज़ाम बदरी अखबार जो है ना वो आपको मुश्तर की जाएंगी। आपने जो है वो दरख्वास्त किधर भेजनी है, चीफ इंजीनियर कोयटा, चेयरमैन प्रोविशनल कमेटी महकमा आबपाशी हुकूमत बलूचिस्तान को आपने भेज देनी है, और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहिए। इसको जो वो आपने चीफ इंजीनियर चेयरमैन प्रोफेशनल कमेटी महकमा आबपाशी को आपने दरख्वास्त भेज देनी है। इसी के साथ उम्मीद है कि आपके लिए ये एड हेल्पफुल होगा। अगर यहाँ पे आपकी व्यू सही आ रहा है तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप मोबाइल से, या तस्वीर ले लें। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि आने वाले एड्स काफ़ी आपके लिए मुफीद हो सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर अमान अल्लाह।